Good morning, all of you. Today is our lecture number 6 of differential calculus. And last lecture में हमने क्या करा था? How to differentiate the composite function by using chain rule. आज भी उससे related question करेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं first question की तरफ. पहला question है हमारे पास. Differentiate. हाँ जी, देखिए differentiate क्या करना है? Cos of x cube डॉट साइन स्क्वायर ऑफ एक्स फाइव. ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग, बट वी हैव टू यूज यूजिंग चेन रूल. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इस पूरे को पहले तो y मान लेते हैं, लाइक y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स फाइव. ठीक है जी, अब मैं अगर इसको पूरे को फर्स्ट टर्म को यू मान लू, ठीक है, और ये सिर्फ कॉस ऑफ एंगल में है कॉस ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, तो फर्स्ट पूरे को मानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मानिए इसको, ऐसे लिखिए कॉस ऑफ एक्स क्यूब और इसको लिखिए डॉट साइन ऑफ एक्स की पावर फाइव की होल पावर टू. ठीक है जी, अब इस पूरे को लेट यू इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, इजीएस्ट वे के जो करना है, एंड वी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की पावर फाइव. ठीक है, लेट यू इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब एंड वी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की पावर फाइव. अगर यू में इसमें मान लेते तो वैन वाई कितना बना हमारे पास, y आ गया हमारे पास u इंटू वी स्क्र, यू इंटू वी स्क्र, और उसी तरह dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा. अब देखिए यहाँ चेन रूल का तो कम यूज हो रहा है, बट यूज किसका हो रहा है, u और v का. ठीक है, मीन्स अगर हम इसको कन्वर्ट करके कुछ पुट कर लेते हैं मीन्स अंदर वाली वैल्यू को, तो u की अगर बाहर रखते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे v का, और इसी तरह v सेकेंड टर्म को बाहर रखेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म का, यही बनेगा. तो सॉल्व करके देखिए क्या आता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बनता है इज इक्वल टू यू इंटू टू वी डॉट डी वी बाई डी एक्स प्लस वी स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स. अब याद रखिए जो वी था हमारा पावर रूल से, मैंने पावर तो डिफरेंशिएट कर दी बट अंदर वी है और बाहर क्या है एक्स, बेशक से वो इस टर्म में है बट अभी मैंने वी पुट करा तो ये मैंने क्या लिख दिया डी वी बाई डी एक्स और यहां लिख दिया डी यू बाई डी एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, अब मैं डी यू बाई डी एक्स एज यू इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, अगर यू हमारा कॉस ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब और डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यही होगा. कॉस ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एंगल और फिर एंगल की डिफ्रेंसिएशन साथ में, तो जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, चेन रूल भी इसमें यूज हो सकती है बट वो हमें अलग अलग सॉल्व करके फिर आंसर पुट करना पड़ेगा इसमें. ठीक है, अलग अलग सॉल्व करके फिर आंसर पुट करना पड़ेगा. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया आपने. अब यहां चाहूं तो मैं इसको एक्स क्यूब को टी मान सकता हूं और चेन रूल का यूज कर सकता हूं, बट उससे क्या होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएगा, बट अगर फंक्शन इजी है तो उसको साथ के साथ ही डिफरेंशिएट कर दीजिए. ठीक है, जिसको आप इजी कैलकुलेट कर सकें. तो ये आ गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स, एंड वी कितना है जी, वी है साइन इंटू एक्स की साइन ऑफ एक्स की पावर फाइव, तो ये क्या बन जाता है डी वी बाई डी एक्स, क्या होगा डी वी बाई डी एक्स होगा साइन साइन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस ऑफ एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस ऑफ एक्स, और फिर एंगल की डिफरेंशिएशन होगी मीन्स एक्स एक्स टू पावर फाइव की डिफरेंशिएशन होगी. ठीक है, तो जो कि हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स की पावर फाइव डॉट फाइव एक्स फोर, ये अलग टर्म होगी. ठीक है, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है, यहां मैंने ड्रैग करा, आप चाहें तो इसको एस टी पुट कर दीजिए या पी पुट कर दीजिए और चेन रूल का आप आराम से यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या बना आपका डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स की पावर फाइव
ये क्योंकि कहां से आया था कॉस, बिकॉज साइन थीटा की डिफरेंस, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, ठीक है, और साइन एक्स की पावर फाइव की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस ऑफ एक्स की पावर फाइव डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फाइव की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइव एक्स की पावर फोर, ठीक है, पावर रूल लगाया उसमें भी। अब ये वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, हाँ जी इक्वेशन वन क्या बनती है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी यू इंटू टू वी, हाँ जी डी वी बाई डी एक्स कितना आया था, डी वी बाई डी एक्स आया हमारे पास कॉस ऑफ एक्स की पावर फाइव इंटू फाइव एक्स की पावर फोर, ठीक है, प्लस वी स्केयर इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स कितना है आपके पास, माइनस ऑफ थ्री एक्स स्केयर, मल्टीप्लाई में याद रखिए, वी स्केयर इंटू माइनस ऑफ थ्री एक्स स्केयर इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर क्यू, ठीक है। अब इसमें जो यू वी में है वो आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर, हाँ जी, तो बताइए कितना आ गया डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, यू कितना था कॉस ऑफ एक्स क्यूब, वी कितना है टू इंटू वी मीन्स टू इंटू साइन की साइन ऑफ एक्स की पावर फाइव डॉट कॉस ऑफ एक्स की पावर फाइव डॉट कॉस ऑफ एक्स की पावर फाइव इंटू फाइव एक्स की पावर फोर, फिर माइनस वी स्केयर कितना है मीन्स साइन ऑफ एक्स की पावर फाइव का स्केयर, ठीक है जी, थ्री एक्स स्केयर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आएगा। थोड़ा उसको अगर मैनेज करके लिखना तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, टू इंटू फाइव डेट इज योर टेन इंटू एक्स की पावर फोर, सेम क्वेश्चन ऐसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर थ्री या लेक्चर नंबर फोर में करा रखा है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करी थी, बट इसमें भी देखो चेन रूल अपने हाथ में होता है कि आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप लॉन्ग मतलब जैसे मैंने लेक्चर नंबर थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आप वैसे करेंगे वो भी इजिएस्ट है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसे भी इजिएस्ट है, जैसे मैंने यहाँ चेन रूल लग सकती थी बट मैंने लगाई नहीं, ठीक है। और ये आ गया आपका माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स की पावर फाइव का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर थ्री, चेक कर लीजिएगा ये आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यूज चेन रूल, चेन रूल का यूज कीजिए टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, और वाई कितना गिवन है थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन इन दोनों का होल स्क्वायर। अब अगर इन दोनों का होल स्क्वायर लिखा है तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट या पुट, लेट टी इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन, अगर मैं इसको टी को डाल देता हूँ या अंदर वाली टर्म को टी मान लेता हूँ, देन वाई कितना बना आपके पास, वाई बना इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब वाई किस में आ गया इन टर्म्स ऑफ टी आ गया, और टी किस में है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ठीक है,
अब देखिए एस वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर और दूसरा क्या बना टी इक्वल टू आपके पास क्या बना 3x-1/3x+1। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन नंबर वन क्या बनी, मीन चेन रूल लगेगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू चेन रूल, हाँ जी चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या फंक्शन बनता है, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई किसमें है इन टर्म्स ऑफ टी है और टी किसमें है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, y किसमें है इन टर्म्स ऑफ t में है और t किसमें है इन टर्म्स ऑफ x में है। ठीक है, तो अब सीधा डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या बन गया, dy by dx is equal to dy by dt dot dt by dx। अब ये दोनों चीजें हम फाइंड करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। हाँ जी, सबसे पहले फाइंड करेंगे dy by dt, dy by dt देखिए क्या आता है, d by dt of t square यही आता है, d by dt of t square क्या बनता है आगे पास 2t के बाद, पावर रूल लगा दिया, क्लियर। अब दूसरी चीज आती है डी टी बाई डी एक्स, अब डी टी बाई डी एक्स तो हम निकालेंगे पर टी क्या है, टी क्या है 3x-1/3x+1 और किसमें है दोनों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मीन वी हैव टू यूज द क्वोशेंट रूल, और याद रखिए किसमें इन टर्म्स ऑफ एक्स में ही आपने सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आपने डेरिवेटिव करना है इसका। हाँ जी, लगाइए जरा फॉर्मूला, यू अपॉन वी का जब डेरिवेटिव करते थे क्वेश्चन रूल में क्या होता था, v का स्क्वायर मीन 3x+1 का स्क्वायर, फिर 3x+1 आता था आपका बाहर, डी वाई डी एक्स होगा अब यहाँ पे किसका ऊपर वाली टर्म का मीन u का। ठीक है, फिर u वाली टर्म आती थी बाहर और डेरिवेटिव होता था किसका नीचे वाली टर्म का। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो हमारा ओवरऑल ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखिए ये आया हमारे पास 3x+1 × 3 − 3x-1 × 3 / 3x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर, चेन रूल का यूज कर रहे हैं, बढ़ेंगे आगे की तरफ, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या बना आपका, डी टी वाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास 9x+3 − 9x+3 9x से 9x कट गया, बचा गया 3+3 और नीचे क्या आ गया 3x+1 का स्क्वायर जो कि हमारा होगा 6/3x+1 का होल स्क्वायर। तो डी टी वाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास 6/3x+1 का होल स्क्वायर। चलिए देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम, दोनों वैल्यू निकाल लिया आपने, इक्वेशन वन बताइए क्या बनी आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था हमने अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। हाँ जी, सबसे पहले क्या है डी वाई बाई डी टी, ये है डी वाई बाई डी टी कितना है आपके पास 2 × t और फिर है डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स कितना है आपका 6/3x+1 का स्क्वायर। ओवरऑल हमारे को सारे टर्म्स एक्स में लिखनी है तो टी की वैल्यू पुट कीजिए, ये बनी 3x-1/3x+1 × 6 × 3x+1 का होल स्क्वायर। टोटली सॉल्व करके कितना बन गया 12 × 3x-1/3x+1 का क्यूब, चेक कर लीजिए आंसर 12 × 3x-1/3x+1 का क्यूब। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बट ऐसा आपको आ सकता है कि पेपर में डिफाइन कर रखा हो एग्जाम में कि आपको चेन रूल का ही यूज करना है, तो याद रखिए आपको वहां चेन रूल का ही यूज करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। अब जैसे एक अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़िएगा क्या है, कैलकुलेट द
कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ, कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव इसका निकालना हमने लॉग ऑफ वन की वन प्लस ई की पावर वाई, और निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं चलना है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई चलना है, ठीक है। मीन सारे फॉर्मूले जो होंगे हमारे उनको वाई में इमेजिन कर लीजिए। चलिए आंसर करते हैं सॉल्व। अब अगर इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना है, मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई आंसर फाइंड करके देना है। इट मीन मुझे इसको क्या मान सकता हूं, मैं इसको एक्स मान लूं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वाई जाऊंगा तो इसको एक्स ही मानूंगा। लेट कर लीजिए, लेट एक्स इक्वल टू दिस। हाँ जी, अगर एक्स ये है लॉग ऑफ वन प्लस ई वाई, तो डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग के अंदर क्या है, वन प्लस ई की पावर वाई, तो वन प्लस ई की पावर वाई को हम मान लेते हैं। पुट वन प्लस ई की पावर वाई को मान लिया मैंने टी, ठीक है, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू कितना बन गया, लॉग टी। एक्स इक्वल टू कितना बन गया, लॉग टी। मतलब अगर एक्स आपका लॉग टी है और साथ में टी कितना है, वन प्लस ई वाई, मीन्स एक्स इज इन टर्म ऑफ टी एंड टी इज इन टर्म ऑफ वाई। ध्यान दीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई जा रहे हैं, सारी कहानी जितनी भी हमने अब तक समझाई थी आपको वो सारी यहाँ पे रिवर्स हो गई है, ठीक है। वाई की जगह एक्स आ गया, एक्स की जगह वाई, ठीक है। एक्स आपका टी में है, टी आपका वाई में है, और जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है डी एक्स अपॉन डी वाई, नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। यू हैव टू फाइंड द डी एक्स अपॉन डी वाई। और जब आपको डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है तो रूल भी उसके अकॉर्डिंग से होगा, डी एक्स अपॉन डी टी डॉट डी टी अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी वाई, ठीक है। याद रखिए यहां पे क्या चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव टू डिफरेंशिएट, ठीक है। और मैं चेन रूल का ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं, बट चेन रूल का यूज कीजिए, इजी रहेगा। हाँ जी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन। नाउ हम फाइंड करेंगे डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी मीन्स डी टी बाई डी वाई डी टी करना है किसका, एक्स का। व्हाट इज एक्स, लॉग टी। एक्स क्या है, लॉग टी है, तो लॉग टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी सेम टू सेम चलता है, तभी ये आता है कितना, वन अपॉन टी। जैसे कि लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है, वन अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला लिखाया होगा आपको, सेम एक्स दिया है यहाँ क्या लग गया, टी। उसी तरह ये दूसरे स्टेप में अब निकालना है डी टी अपॉन डी वाई। डी टी अपॉन डी वाई मीन्स डी वाई डी टी करना है, डी अपॉन डी वाई करना है किसका, टी की वैल्यू का। टी कितना है, वन प्लस ई की पावर वाई, वन प्लस ई की पावर वाई। दो टर्म्स हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहे हैं, याद रखिएगा। इसमें वन की डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है, और डी वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ ई वाई ये हो जाएगा। अब याद रखिए एक फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला कराया था डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे e की पावर y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी सेम ही होगी। इज दैट क्लियर, x की जगह बस रिप्लेस कर दिया मैंने y को, क्लियर। वो फॉर्मूला देखिएगा, तो ये आ गया हमारे पास e की पावर y। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो जाता है तो वहां थोड़ा ध्यान से चलिएगा, ठीक है, हर फॉर्मूले को ध्यान से लगाइएगा। तो डी टी अपॉन डी वाई कितना आ गया, e की पावर y। नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, हाँ जी, इक्वेशन वन बिकम्स कितनी बनती है इक्वेशन वन आपकी, डी एक्स अपॉन डी वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम एक्स का। व्हाट इज एक्स, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, लॉग ऑफ, वही माना था हमने एक्स को, लॉग ऑफ वन वन प्लस ई की पावर वाई, वही माना था एक्स को, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। हाँ जी, डी एक्स अपॉन डी टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज वन अपॉन टी डॉट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टी बाई डी वाई, डी टी अपॉन डी वाई, दैट इज इक्वल टू ई की पावर वाई।
तो जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है, टी की वैल्यू डाल दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है 1+ e/y, ये आंसर आ गया। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx/dy। dx/dy मतलब डेरिवेटिव अगर मैं करूं किसका, log ऑफ 1+e/y का, log ऑफ 1+e/y का विद रिस्पेक्ट टू y, दैट बिकम्स, मतलब आंसर भी आपका y में ही आएगा जब विद रिस्पेक्ट टू y जा रहे हैं, e/y/1+e^y, एक्सपोनेंट ऑफ y। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें चेंज क्या है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू x नहीं चलना है, विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। थोड़े अलग अलग इसी टाइप हैं चेन रूल की। जैसे हम चेन रूल एक्सप्रेस करते हैं dy/dx=, मतलब इस फॉर्म में, ये दूसरी फॉर्म होगी एक, मतलब इसमें क्वेश्चन भी तो आपको अलग टाइप का दे रखा होगा, ठीक है। तो प्लीज इस टाइप को ध्यान से कीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है हमारे पास, यूज फॉर लेट लेट f(x) = e^x, ठीक है, एंड gx = 4x। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, एफ एक्स दे रखा है आपको = e^x एंड जी एक्स दे रखा है = 4x। यूज द चेन रूल, ध्यान दीजिएगा इसमें, यूज द चेन रूल, चेन रूल का यूज करना है। अब यहाँ पे y और मतलब dy/dx वाला सिस्टम नहीं है। यूज द चेन रूल टू कैलकुलेट h-x आपने कैलकुलेट करना है, वेयर h(x) = f(g)x। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। याद रखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई फंक्शन दे रखा है f(x) आपको x में, और g(x) भी दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो याद रखिए जब भी मुझे h-x निकालना है, ठीक है, h-x क्या होगा, इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। h-x जो होगा वो होगा हमारा फॉर्मूला f(x) @x = g(x). याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, f-x निकालना है, बट किस पॉइंट पे, @x = g(x), मतलब जो g(x) की वैल्यू होगी उस पॉइंट पे, एंड g-x। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैंने इस फॉर्मूले का यूज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे मुझे फाइंड क्या करना है, h-x फाइंड करना है। तो अगर h-x फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए, f-x। अगर f(x) आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका f(x) कितना था, e^x था। अगर आपका f(x) e^x है तो f-x क्या होगा, दैट इज ऑल्सो e^x, ठीक है, डिफरेंशिएट होगा ना। f-x मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस आप dy/dx कर रहे हैं, जो आपका f(x) है उसका dy/dx करेंगे, वो आ गया e^x। बट मुझे निकालना क्या है, बट वी हैव टू फाइंड द f-x किस पॉइंट पे, x = g(x) पे, मतलब जो g(x) की वैल्यू है उस पॉइंट पे निकालना है। वैसे तो मेरी वैल्यू आ गई है यहां पे e^x @x = हाँ जी, gx क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन gx हमारे पास 4x, @x = 4x, मतलब x की जगह रिप्लेस कर देना है आपने आंसर में 4x, ठीक है, वो पॉइंट है। @x = 4x मीन्स x की जगह रिप्लेस कर दी ये 4x, मीन्स = कितना आ गया 4x। इज दैट क्लियर, ये आ गया आपके पास क्या, f-x। क्लियर, इसी तरह आपने फाइंड करना है अब g-x, g-x मतलब डेरिवेटिव ऑफ g(x), यही होगा d-x मींस डेरिवेटिव ऑफ g(x), g(x) कितना है आपके पास, g(x) है जी हमारे पास 4x, g(x) अगर हमारे पास 4x है
डी बाई डी एक्स और फोर एक्स क्या होगा, फोर के बराबर। ये दोनों वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी है, तो आंसर देखिए क्या आता है। एग्जैक्ट वे में मैं आपको लिखवाऊंगा क्वेश्चन, नॉट वरी। एग्जैक्ट वे में ये आया हमारे पास e की पावर 4x, ठीक है जी, इंटू फोर, मतलब 4 इंटू e की पावर 4x। क्लियर, देखिए जरा, तो क्लियर है। क्या होगा आपको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में fx और gx की वैल्यू दे रखी होगी, आपको बोला जाएगा कि आपने चेन रूल का यूज करना है और एच डैश एक्स निकालना है, जबकि एच एक्स क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, क्या है एच एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जो एच वाला फंक्शन है हमारा एक्स में, वो क्या है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स अंदर जी एक्स की वैल्यू डाल के फिर एफ एक्स निकाला जाता है। क्लियर, अब वो मैं आपको, ये होता है हमारे पास मतलब कि फॉग एंड गॉफ, फॉग एंड गॉफ मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का रूटीन पढ़ लीजिए, क्या है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए की पावर एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या है फोर एक्स। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ चेन रूल, जब ऐसा आपके पास टर्म हो एच डैश एक्स निकालना, तो फॉर्मूला क्या होगा, एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जी एक्स, मतलब उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जब एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जी एक्स में, मतलब एफ डैश एक्स पहले निकाल लीजिए, जैसे मैंने यहां करा एफ डैश एक्स निकाल दिया, एफ डैश एक्स निकालने के बाद x इक्वल टू लिया जी एक्स जो कि 4x के बराबर था, ठीक है, जी एक्स की वैल्यू जो 4x थी, बस जहां जहां x था वहां मैंने 4x कर दिया, तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया एट पॉइंट x इक्वल टू जी एक्स। साथ में दूसरी चीज निकाली, डेट इज जी डैश एक्स। अब जी डैश एक्स का मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन डेरिवेटिव ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं, तो मेरे पास कितना आया था 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, फिर डी बाई डी एक्स आपने मल्टीप्लाई होगा किसका होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि 1 के बराबर होता है, मीन्स 4 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 4। अब वही दोनों चीज मैंने यहाँ पुट कर दिया और ये हमारा क्या आ गया, एच डैश एक्स आ गया, ठीक है। एक तो हो गया ये आपके पास समरी, ठीक है। दूसरा था अभी मैंने आपको बोला ये फंक्शन है क्या, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, ये फंक्शन है क्या, फंक्शन मतलब कि एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हुआ क्या, एफ ऑफ जी एक्स जिसको मैं फॉग बोल रहा हूं, याद रखिएगा ये आपको बड़ी क्लासेस में रहेगा, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, जो कि हमारा एच ऑफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आप यहां जी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, डाल दी एफ ऑफ फोर एक्स आ गया। अब जहां जहां एफ एक्स का है, एफ एक्स कितना था मेरे पास, ई की पावर एक्स, ये है ना। अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ फोर एक्स में क्या फर्क है, बट टर्म का ही फर्क है, मीन्स एक्स को रिप्लेस कर दीजिए यहां पे फोर एक्स से। अगर मैं एक्स को रिप्लेस करता हूं फोर एक्स से, तो मेरे पास कितना आया था, ई की पावर फोर एक्स, जो कि आ जाएगा ई की पावर फोर एक्स, ठीक है। ये होता है फॉग। इसी तरह अगर गॉफ करूं तो गॉफ मीन्स होता है g ऑफ एफ एक्स, कई क्वेश्चन में बोला जा सकता है आपको ये g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स मीन्स अब यहां g के अंदर क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है वैसे इसको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस आपको एज अ बेसिक समझा रहा हूं इसका, ठीक है। g ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ एक्स कितना है आपके पास, e की पावर x। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो g की पावर g ऑफ ई एक्स निकालना है, बट मुझे जी एक्स कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन वो गिवन है मेरे को 4 इंटू एक्स, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा x को किससे, e की पावर x से, ये आ गया 4 इंटू e की पावर x। मतलब दोनों अलग अलग सिस्टम है, बेशक से f ऑफ जी एक्स इसमें यूज हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन में ये चेन रूल ना लिखा होता, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालता, ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल देता, ये एच एक्स निकाल के, जो एच एक्स आंसर, जैसे एच एक्स यहाँ पे आंसर e की पावर 4x, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके इसका आंसर निकाल देता। बट यहाँ स्पेशल लिखा था चेन रूल, और चेन रूल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि एच डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, सॉरी वो आप बुक इस लैंग्वेज में मत जाइएगा, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये याद रखिए, और साथ में जी डैश एक्स इंटू, दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी तब आपका एच डैश एक्स आएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फॉग गॉफ समझ लेना बेटा, हायर क्लासेस में जाएंगे आप स्टडी करेंगे तब आपको ये चीजें बहुत
मतलब समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो अभी समझ लीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमारे पास है एफ एक्स है हमारे पास 6x+3 और जी एक्स है हमारे पास -2x+5। निकालना वही है, एच डैश एक्स चेन रूल का यूज करना है और एच एक्स इसके बराबर है एफ ऑफ जी एक्स के। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन पार्ट लिखिए, ध्यान रखिएगा इसी रूटीन में आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? इसी वे में एफ एक्स इक्वल टू 6x+3, जी एक्स इक्वल टू -2x+5। इसके बाद नाउ एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा कितना, हाँ जी एफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब डी वाई डी एक्स करना है किसका, 6x+3 का, जो कि इक्वल टू आता है हमारा 6 के बराबर, ठीक है? उसी तरह हमने निकालना है जी डैश एक्स, क्या निकालना है, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स मीन्स डी वाई डी एक्स करना है किसका, जी डैश एक्स का, मतलब -2x+5 का, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है -2। कितना बनता है, -2 डिफरेंशिएट करके, ठीक है? एफ डैश एक्स निकाल लिया, जी डैश एक्स निकाल लिया, सबसे पहले ये दोनों गिवन पार्ट लिखे, बाद में इनके डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स निकला। इसके बाद का जो अगला स्टेप होगा वो ध्यान दीजिए। अब हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है किस पॉइंट पे, जब एक्स बराबर है जी एक्स के, जब एक्स बराबर है जी एक्स के, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एफ डैश एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी जी एक्स इतना है -2x+5, कितना है -2x+5। इज दैट क्लियर? अब हम इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है ना, उसमें x की जगह ये पुट कर दीजिए -2x+5, जहां जहां x है वहां डाल दीजिए। एफ डैश एक्स है क्या, 6 ही है, अब इसमें तो कोई x है नहीं, तो ये आपका वैसे ही रहेगा, मतलब ये 6 के बराबर ही रहेगा। आंसर कैसे निकालना है, हमें फाइंड करना था एच डैश एक्स, जो कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, नहीं तो वहां लिखा होता है एफ डैश जी एक्स, ठीक है? बट यहां रखना एफ डैश एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, इंटू जी डैश एक्स। तो ये हमारा सॉल्व करके देखिए कितना है, ये आ गया हमारे पास 6 और ये आ गया हमारे पास -2, जो कि बराबर है -12 के, ठीक है जी? इज दैट क्लियर? प्लीज नोट कीजिए इसको। ओके, तो अब एक और चीज मैं इसको इसी क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। ये तो था जब चेन रूल गिवन है, बट अगर चेन रूल ना बोला जाए और आपको फाइंड करना पड़े तो कैसे फाइंड करना है, नोट कर लिया आपने ये सर? चलिए अब हम इसको अकॉर्डिंग टू द चेन रूल करेंगे, सॉरी अकॉर्डिंग टू जहां पे हमारा मतलब चेन रूल का टॉपिक नॉट यूज होगा, मतलब इसको बिना चेन रूल के करेंगे। सॉरी, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में लिखा है विदाउट चेन रूल हमें एच डैश एक्स फाइंड करना है। अब एच डैश एक्स तो मैंने फाइंड करना है, बट एच एक्स है क्या, एच एक्स है जी एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स मीन्स जी एक्स की वैल्यू डालिए इसमें, जी एक्स की वैल्यू है -2x+5 और एफ ऑफ 2x+, देखिए क्या किया मैंने, एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, मतलब यहां से लिया जो क्वेश्चन गिवन था। अब एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ -2x+5। अब एफ ऑफ -2x+5 मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू है उसमें एक्स से रिप्लेस कर दीजिए इस वैल्यू -2x+5, तो जो आ जाता है मतलब 6 × -2x+5+3। ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, एफ एक्स को देखिए और एफ ऑफ -2x+5 को देखिए, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे एक्स की जगह, इस एक्स की जगह मुझे ये वैल्यू डालनी पड़ेगी -2x+5 फुल। डालता हूं तो यहां पे भी -2x+5 आ गया और यहां पे भी क्या आएगा -2x+5, तभी वैल्यू निकलेगी इसकी, जो हमारे पास ये आ गई 6, ये पूरा x की जगह रिप्लेस हुआ +3। सॉल्व करके बना -12x, ठीक है जी, +30+3, जो कि आ गया सॉल्व करके -12x+33, क्या आ गया ये हमारे पास hx, बट वी हैव टू फाइंड द h डैश x, हमें फाइंड क्या करना है h डैश, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बना एच डैश एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ -12x+33, ठीक है? दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट होगा, डी वाई डी एक्स करना है -12x का प्लस डी वाई डी एक्स करना है 33 का, 33 का तो होता है 0,
माइनस 12x में क्या होगा, माइनस 12 तो आ जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स होगा सिर्फ x का, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि आया था मेरे माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0 इन माइनस 12, सेम एच डैश एक्स आया, जो जैसा ही आंसर आपका चेन रूल में आया था वैसे ही हमने क्या करा, विदाउट चेन रूल वाले उसमें भी वैसे ही आंसर लिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है ना कि आपको चेन रूल का यूज करना है तो 100% आपको चेन रूल का ही यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? चलिए नोट कीजिए प्लीज। ओके नाउ नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। सेम ऐसे ही होगा और एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा अभी। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट fx इक्वल टू, लेट fx इक्वल टू e की पावर x एंड जी एक्स इक्वल टू 3x² + 2, ठीक है जी, 3x² + 2, यूज द चेन रूल, यूज द चेन रूल, क्या करना है, चेन रूल का यूज करना है, यूज द चेन रूल टू कैलकुलेट एच डैश एक्स फाइंड करने के लिए चेन रूल का यूज करना है, वेयर एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। अब मैं इसको विद चेन रूल ही सॉल्व करूंगा, आपने मुझे होमवर्क में भी विदाउट चेन रूल सॉल्व करके देना, याद रखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, हाँ जी, पहला क्या था जो गिवन पार्ट था, एफ ऑफ एक्स कितना है, e की पावर एक्स है, दूसरा क्या है, जी ऑफ एक्स कितना है, 3x² + 2 है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ, हाँ जी, एफ एक्स मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसका डेरिवेटिव करूंगा कितना आएगा, e की पावर x ही आएगा। उसी तरह मुझे फाइंड करना है जी डैश एक्स, जी डैश एक्स मतलब डी वाई डी एक्स फाइंड करना है 3x² + 2, जो कि सॉल्व करके आपका बनता है 6x। एफ डैश एक्स निकाल लिया, जी डैश एक्स निकाल लिया, अब जो फॉर्मूला था वो क्या बोलता था, एफ डैश एक्स निकालना है हमें, बट किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स कितना है 3x² + 2, कितना है, मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां रिप्लेस कर देना, एफ डैश एक्स में जहां जहां एक्स होगा वहां रिप्लेस कर देना उसको 3x² + 2 के साथ। एफ डैश एक्स कितना है, e की पावर एक्स, ये डाल दीजिए, जहां जहां एक्स है वहां डाल दीजिए 3x² + 2, ये आ गया e की पावर 3x² + 2, ये आ गया क्या हमारे पास, एफ डैश एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जी एक्स कह दीजिए, ठीक है जी, ये आ गया। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला, चेन रूल, नाउ अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल आपके पास क्या बना, हाँ जी, एच डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है, एफ ऑफ डैश एक्स, और वो किस निकालता है, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जी एक्स पे इंटू जी डैश एक्स, यही था दोनों चीजें, सिर्फ इसके साथ पॉइंट पे, बाकी ये सिंपल है, हाँ जी, ये कितना आया था हमारे पास, e की पावर 3x² + 2, e की पावर 3x² + 2 डॉट विथ जी डैश एक्स कितना आया था, वो आया 6x, मतलब 6x इंटू e की पावर 3x² + 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर एच डैश एक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी, बहुत इजी है, चेन रूल से मैंने सॉल्व किया है, आपने मुझे विदाउट चेन रूल सॉल्व करके देना है, दैट इज द होमवर्क, ओके। और एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, प्लीज उनको कीजिएगा, पहले ये नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। ओके नाउ अब देते हैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन,
और ये लास्ट लेक्चर है हमारा कंपोजिट के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद नए फंक्शंस के लिए मींस इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होगा हमारा अगला टॉपिक अगले लेक्चर के लिए, याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ये सारा चैप्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ग्रेडिएंट ऑल आर इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए होमवर्क लिखिए, डू इट योरसेल्फ, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन जो है वो एक तो वो हो गया जो आपको विदाउट चेन रूल करना है, जो लास्ट क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन आप इधर से लीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है जी, एंड जी एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री, ठीक है जी, एंड जी एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री, यूज चेन रूल, यूज द चेन रूल, यूज द चेन रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच डैश एक्स, एच डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स, ठीक है जी। ये हो गया एक क्वेश्चन, चेन रूल का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल इफ वाई इज इक्वल टू टू इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इफ वाई इज इक्वल टू टू इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एंड द सेकेंड वन इज सॉरी थर्ड वन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है जी, इफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस बी एक्स प्लस बी कॉस सॉरी ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस सॉरी बी साइन आई एम सॉरी प्लस बी साइन एक्स, ठीक है जी, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके देने हैं और इनके आंसर कमेंट कीजिए। एंड यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक या आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, और प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ये क्वेश्चन इजी समझ में आएंगे और एग्जाम में भी इजीली सॉल्व होंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।